नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा आसनसोल शाखा का दौरा शनिवार को किया गया। टीम में राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा लाखोटिया, सचिव रेखा लाखोटिया, पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष रेणु अग्रवाल, प्रांतीय कोषाध्यक्ष सरिता अग्रवाल शामिल थी, जिनका आसनसोल में प्रांतीय पर्यावरण प्रमुख मधु डुमरेवाल और आसनसोल शाखा अध्यक्ष निर्मल गुड़गुटिया ने स्वागत किया। इस दौरान कुमारपुर स्थित सवेरा वृद्धाश्रम में वृद्धों से मुलाकात कर उनके साथ कुछ समय व्यतीत किया। साथ ही आसनसोल शाखा द्वारा वृद्धजनों में हारमोनियम, ढोलकी, झांझ आदि वितरण किया गया। इस बाबत आसनसोल शाखा अध्यक्ष निर्मल गुड़गुटिया ने कहा है कि हमारी संस्था द्वारा वृद्धजनों की सेवा का उद्देश्य प्राथमिकता के तौर पर है। आज हम लोगों ने जो सवेरा वृद्धाश्रम में समय व्यतीत किया, इससे काफ़ी आंतरिक सुख की अनुभूति हुई है। इसके पश्चात आसनसोल क्लब में समिति की सदस्यों संग पदाधिकारियों ने बैठक कर उद्देश्य एवं रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान कोल्ड फिल्म मिरर से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शारदा लाखोटिया ने बताया कि देश के 19 राज्यों में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की 520 शाखाएँ हैं, जिसके तहत 20,000 से अधिक सदस्याएँ जुड़ी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा मूल उद्देश्य है, ताकि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़े और देश की समृद्धि में अपना बराबर का योगदान दे सके। उन्होंने बताया कि समिति की 5 प्रकल्प है, जिनमें नेत्रदान के तहत अंगदान, रक्तदान, देहदान, इसके अलावा बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण और जन जागरण शामिल। हम भैया पूरे प्रदेश में, हमारे ऑल इंडिया में 19 ब्रांचेज है, 19 प्रदेश है, उसमें 520 ब्रांचेज हैं और 20,000 से ज़्यादा सदस्य हैं। और हम लोग पूरे 5 प्रकल्प के तहत काम करते हैं। जैसे जन जागरण है, उसमें है प्री वेडिंग सूट का स्वरूप चेंज हो, बुजुर्गों पर सेवा हो, और धार्मिक आडंबरों पर रोक, और डिवोर्स पे काउंसलिंग, ये हुआ पहला प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा बाल विकास। तो बाल विकास में हम छोटे छोटे बच्चों को लेके, 10th तक के बच्चों को लेके बहुत कुछ सिखाते हैं और उनको संस्कार, संस्कृति, शिक्षा के बारे में ज्ञान देते हैं, और महिलाएं सब इस पे बहुत अच्छा कार्य करती है। तीसरा प्रोजेक्ट है हमारा महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण पे सारी बहनें एकजुट होकर के इतना अच्छे अच्छे काम करती है। जैसे अभी मोबाइल क्लास चलाया, ऑल इंडिया के अंदर में 2,00,000 से ज़्यादा बहनों ने इसमें फ़ायदा उठाया। और कोई भी कुछ भी होता है, आपदा आती है, उसमें हम लोग आगे आते हैं। और ये अभी मैंने राम मंदिर का एक मुद्दा लिया है राष्ट्र से, कि हमारी राष्ट्र की सारी बहनें जुड़ के, मैंने 1 करोड़ का टारगेट लिया है। उस टारगेट को हमारी सारी बहनें मिलकर के पूरा करेंगी, ये हुआ हमारा तीसरा प्रोजेक्ट। चौथा प्रोजेक्ट है हमारा नेत्रदान, देहदान, अंगदान, रक्तदान। उसमें चारों पे 28 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक उसमें हमारे 2,000 से यूनिट से ज़्यादा रक्तदान इकट्ठा हुआ। नेत्रदान पे भी बहनें बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। मरणोपरांत नेत्रदान हर शाखा में, मतलब जब भी होता है तो बहनें जागरूक होकर उस पर करवाती हैं। और अंगदान के ऊपर में इतनी अच्छी रैली पिछले साल निकाली थी, हमारी ऑल इंडिया के बेसिस पर रैली निकली थी। अभी हम लोगों ने एक टारगेट लिया है कि जो भी, जिसका भी ब्रेन डेड हो जाए, तो बहनें उन माता पिता को जागरूक करें और उनको एक ये मोटिवेट करें कि भाई आपका बच्चा या हमारा कोई भी पर्सन गया है, वो तो जाएगा ही, लेकिन उससे हम 7-8 लोगों को क्यों ना फायदा करवा दें। तो अभी इस पर बहुत अच्छी जागरूकता आई और बहुत लोगों ने कराया है। सूरत की हमारी शाखा में 2.5 साल का बच्चा छत से गिर के ख़त्म हो गया था, उसके माता पिता ने इतना सुंदर डिसीजन लिया और उसके सारे ऑर्गन डोनेशन करवा दिए थे। और देहदान ऐसा है कि हम स्टूडेंट के लिए देहदान करवाते हैं। जो बहनें, अभी काफ़ी बहनें आगे आकर के बोली है हमारा तो अग्नि में जाके जलना ही है, हम क्यों ना हम देहदान कर दें। उसके लिए देहदान के ऊपर वो लोग बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत फॉर्म फिलअप हुए। ये हुआ हमारा चौथा प्रोजेक्ट। पांचवा प्रोजेक्ट है पर्यावरण। पर्यावरण पे हम लोग इतनी जागरूकता हो गई है, और ये हमारी आसनसोल शाखा तो इस पर विशेष काम कर रही है, और यहाँ की मधु जी डुमरेवाल हमारी प्रांतीय पर्यावरण प्रमुख है, और वो इतना सुंदर कार्य कर रही हैं कि मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है।
इसमें हम लोग बहुत अन्न बचाओ पे भी करते हैं, गाय की रक्षाओं पे भी करते हैं कि जो गाय दूध देना बंद कर देती है उनको हम लोग एडॉप्ट करते हैं। गैस प्लांट, जो गोबर गैस प्लांट लगाते हैं उसके तहत उन चारों गायों को उस एक परिवार को दे देते हैं एडॉप्ट करके, तो फिर वो लोग उससे गैस प्लांट चलाते हैं और उसका गौमूत्र का भी उपयोग करते हैं। पर्यावरण के बारे में इतना है और कुछ भी, इतनी बहनें जागरूक हो गई हैं आज के दिन कि हमें गर्व होता है और मेरा राष्ट्र सब शाखाओं पे गौरवान्वित महसूस करता है। मेरा राष्ट्र में अभी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष 19वें नंबर पे हूँ और ये मेरी राष्ट्रीय सचिव है, तो हम लोग मिल के एकदम पूरी कोर कमेटी होती है, हमारी एडिटर होती है, हमारी बुक्स भी निकलती है और हर प्रदेश में बुक निकलती है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष रेणु अग्रवाल, हमारे अंदर 35 शाखाएं हैं जो पूरे बंगाल प्रदेश में फैली हुई हैं, ये तरह तरह के कार्य करती हैं। हमें राष्ट्र की तरफ से 5 विकल्प दिए जाते हैं, नेत्रदान, अंगदान और उसके अंतर्गत रक्तदान और देहदान, और दूसरा है महिला सशक्तिकरण, तीसरा है पर्यावरण, चौथा है बाल विकास और पांचवा है जन जागरण। जन जागरण के अंतर्गत हम वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं जिनके बच्चे बाहर चले जाते हैं, उनको अगर कोई तकलीफ होती है तो हम लोग ने एक शेड्यूल बना रखा है कि हमारी बहनें आसपास के वृद्ध लोगों के नाम को उनके मोबाइल में फीड करके उन्हें मोबाइल सिखाती हैं और उनमें एक नंबर देती हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ अपने पड़ोस में इनको फ़ोन कीजिए, और वो अगर ज़्यादा तकलीफ होगी तो हमारी अध्यक्ष को फ़ोन करेंगी, उसके बाद डिसीजन उनका होगा कि उनका क्या करना है। अगर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और उनके बच्चों को अगर बोला गया कि आप आके देखिए और बच्चे बहुत दूर रहते हैं नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी अवस्था में ये हमें यानी प्रांतीय अध्यक्ष को फ़ोन करेंगी, हम फिर उनको गाइड करेंगे कि ये काम कैसे करना है। इस तरह से हम लोग वृद्ध सेवा में लगे हुए हैं। और रक्तदान जो आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, हमारे जो सरहद पे सैनिक लगते हैं उन्हें कई बार रक्त की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी भरपाई के लिए हमें रक्त को इकट्ठा करना बहुत ही अनिवार्य होता है, खास करके गर्मी में। तो इसके लिए हमारी सभी बहनें आगे से आगे बढ़ के रक्तदान करवाती हैं। रक्तदान करने से एक तो हमारे रक्त की कमी पूरी होती है और हमारे अंदर की भी जो है रक्त संचार बढ़ जाता है और हमारे हार्ट अटैक की जो भी एक संभावना होती है वो कम हो जाती है, तो ये डबल फायदा हुआ। नेत्रदान में हम लोग एक विशेष ध्यान दे रहे हैं कि नेत्रदान करवाएं, लोगों की सोच को बदल रहे हैं। कितनों की ये सोच है कि अगर हम नेत्रदान करेंगे तो अगले जन्म में हमें नेत्र नहीं मिलेंगे, इस सोच को हटा के हमें, हम उन्हें आगे से आगे इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं और सभी लोग आगे आ भी रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। क्योंकि जब एक व्यक्ति नेत्रदान करता है तो उसे 3 व्यक्ति को नेत्र मिलते हैं और इस दुनिया को देखने का सुअवसर मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री का आह्वान प्लास्टिक हटाओ, जिस पे हम लोग बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, जितनी भी सब्ज़ी मंडियाँ हैं, दुकानदार हैं, वहाँ जाके हम लोग कहते हैं प्लीज़ आप प्लास्टिक को यूज़ ना करें, और वहाँ के काउंसलर से भी मिलते हैं कि आप यहाँ पे एक ऐसा कोई नियम बनाइए कि लोग प्लास्टिक यूज़ ना करें, और वहाँ थैले हमारी बहनें अपने घर के पुराने कपड़ों से या जूट के चीज़ों से ला के उन्हें थैले प्रोवाइड करती हैं और कहती हैं कि प्लीज आप ये कपड़े उन्हें दे के और प्लास्टिक उन्हें ना दें। स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री का भी है, इस पे हम लोग बहुत ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। हर जगह हम लोग 3 डस्टबिन लगाते हैं, एक में गीला कचरा, एक में सूखा कचरा और एक में कांच और प्लास्टिक की चीज़ें जो कि हमारे प्रदूषण को दूषित ना कर सकें। इस तरह से हम लोग गोबर कास्ट मशीन लगाते हैं। हमारी जो गाय बूढ़ी हो जाती हैं इन्हें कोई रखना नहीं चाहता, उन्हें ग्वाले लेके बेच देते हैं और फिर उनका उनको बचाने के लिए कि भाई उनका उन गाँव की रक्षा के लिए हम लोग ने गोकास्ट मशीन की एक मशीन लगाना शुरू किया है, जिससे क्या होता है कि गाय के गोबर से जो लकड़ी तैयार की जाती है उससे दाह संस्कार किया जाता है। जब हम लकड़ी से दाह संस्कार करते हैं उससे कई नुकसान हैं, जैसे कि हम उस दाह संस्कार के लिए हम जंगल को खाली कर रहे हैं, आए दिन वहाँ से लकड़ी काटी जाती है, दाह संस्कार होते हैं, उससे क्या होता है कि प्रदूषण फैलता है। जब हम लकड़ी जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फैलती है जिससे प्रदूषण होता है,
लेकिन जब हम गौ कास्ट की जो मशीन लेके आए हैं उससे जो लकड़ियाँ तैयार करते हैं उससे ऑक्सीजन निकलती है, जिससे कि हमारा प्रदूषण भी बचता है और इस बहाने हमारी बूढ़ी गाय जो करती हैं उनसे उनकी रक्षा हो जाती है। हम लोग गौ गैस प्लांट भी लगाते हैं गाँव में जाके, एक गौ गैस प्लांट के लिए हमें 4 गाय चाहिए, तो हम वहाँ पर बूढ़ी गाय जो होती हैं वहाँ भेजते हैं। इनसे क्या होता है, हमारी बूढ़ी गाय बच जाती हैं और लोग फिर इसको कहीं भी बेचना बंद कर देते हैं। इस तरह से हम गाय की सुरक्षा करते हैं। बहनें आगे आके गाय का दान भी करती हैं, ये बहुत हमारी बहनें जो हैं बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत हम बहनों को गृह उद्योग के लिए आगे ला रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम उन्हें बैंक से पैसा भी दिलवाते हैं। इस तरह से वो अपने कार्य को बहुत ही सुचारू रूप से कर पा रही हैं और स्वावलंबी बन पा रही हैं। आज हमारी सभी महिलाएं कुछ न कुछ काम जरूर करती हैं, कोई बुटीक का काम करता है, कोई मंगोली पापड़ का काम करता है, जो पढ़ी लिखी हैं वो उस टाइप के ही काम करती हैं, कोई सीए हैं, कोई कुछ हैं। इस तरह से हमारी महिलाएं दिन ब दिन सशक्त बन रही हैं। यह देख के हमें बहुत अच्छा लगता है कि आज हर फील्ड में महिला ने अपना नाम कमाया है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, कुछ भी हो, हर जगह आपको महिला सर्वोपरि मिलेगी। लेकिन एक विनम्रता है कि हमारी महिलाओं के साथ आए दिन रेप केस आते हैं, जिस पे हम लोग चाहते हैं कि सरकार कुछ ऐसे नियम, कड़े नियम बनाए जिससे ये रुके और हमारी सुरक्षा हो सके। कुछ भी नियम वो बनाएंगी तो उस पे हम जरूर चलेंगे और उसे हम आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। जय हिंद। जाके दौरा करते हैं, विजिट करते हैं, ताकि हम उन्हें प्रोत्साहित कर सकें कि वो अपने काम को कैसे करें, और उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे हम ज़रूर सॉल्व करते हैं और हमारी बहनें हमारे साथ साथ काम करती हैं। इसके लिए हम लोग का 2 साल का सत्र होता है, 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल तक, यानी 2 साल। इस बार COVID-19 के कारण हम लोग ये अपनी विजिट नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग अभी अपनी विजिट कर रहे हैं। इस विजिट में जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होती हैं वो और राष्ट्रीय सचिव, उनको साथ लेके ही करना होता है, और आज वो हमारे साथ हर दौरे पे गई हैं, जिसमें हमने अनेकों अनेक दौरे का दौरा किया है, जिसमें पहला है बांधवान, बांधवान बड़ा बाजार, झालदा पुरुलिया, काशीपुर, आद्रा, दुपरा, चलियामा, रघुनाथपुर, बराकर, नियामतपुर, आसनसौर। इसके बाद हम जाएंगे रानीगंज। आज का विजिट हमारा यहाँ पूरा होगा, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट विजिट में जाएंगे तो हमारी जो शाखाएँ रह गई हैं उनका करेंगे। और इससे पहले हम लोग 1 सप्ताह 10 दिन पहले गए थे झाड़ग्राम, मेदिनीपुर और खड़गपुर। इस तरह से कोलकाता में भी हमारी 4 शाखाएँ हैं जिनका हमने विजिट किया है, उत्तर कोलकाता शाखा, कोलकाता शाखा, दक्षिण कोलकाता शाखा, काफुरगाछी शाखा, हावड़ा शाखा, इनका हमने विजिट कर दिया है। वहाँ पे भी हमारी 2 शाखा और हैं, जैसे कुल मिला के हमारी 35 शाखा हैं। और हम लोग अब धीरे धीरे दौरे पे निकल के इनसे बातें करते हैं, इन्हें समझते हैं कि इन्हें क्या परेशानी है या किस तरह से काम करना है, इनकी भी हम राय लेते हैं और हम अपनी भी राय इनको देते हैं और अपने प्रकल्प के बारे में इन्हें समझाते हैं। इस तरह हम अपने प्रांत का कार्य संपन्न करते हैं। शाखा अध्यक्ष निर्मला गुरुजिया, समिति महिला समिति की अध्यक्ष, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे यहाँ हमारी विशिष्ट पदाधिकारियाँ अतिथिगण सब पहुँचे हैं। आज हमारे बीच उनके साथ रूबरू मीटिंग होगी, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इनकी मार्गदर्शिता में हम काम करेंगे। आज उनके साथ हम सवेरा वृद्धाश्रम गए थे, वहाँ उस वृद्धाश्रम में हमने साजो सामान दिया जो वृद्ध लोग बहुत दिनों से उसका भरोसा कर रहे थे, जैसे हारमोनियम, करताल, झांझ और ढोलकी, ये सब देके हम अनुग्रहित हुए। हमारी महिलाओं और हमारी बहनों के हाथों से उनका मुंह मीठा करवाया और उनको आश्वासन दिया कि आपके साथ हम आकर फिर से आपके साथ समय व्यतीत करेंगे और आपकी और मांग जो होगी उसको हम पूरी करेंगे और आपकी हम देखभाल करेंगे। हम वृद्धों के लिए सेवा करना चाहते हैं और हमारी बहनें हमें बहुत ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, मार्गदर्शिता दे रही हैं और सहयोगिता करने के लिए तैयार हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी,
हमारे राष्ट्र सचिव जी, हमारे प्रांतीय अध्यक्षा जी और प्रांतीय कोषाध्यक्षा जी और पर्यावरण प्रमुख मधुजी डुमरेवाल जो हमारी समिति की महिला समिति आसनसोल की भी सदस्य रह चुकी हैं, इनका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारा आसनसोल शाखा धन्य हो गया है। बहुत 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 धन्यवाद आपको। जय हिंद, जय।